फिल्में इतनी आकर्षक और मनोरंजक होती है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि किरदार निभाने वाला एक अभिनेता या अभिनेत्री है और जो कि वास्तविक जीवन में शायद ऐसे नहीं हो। ऐसे में इन एक्टर्स को भी कहानी और स्क्रिप्ट के अनुसार किरदार को वास्तविक दिखाने के लिए तरह तरह के मेकअप करने पड़ते हैं और तो और खुद ही अपने शरीर पर कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी करना होता है, ये जानते हुए कि इन सभी का उनके हेल्थ पर साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ एक्टर्स सही भूमिका के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, ऐसे में उनके द्वारा एक्सपेरिमेंट्स का परिणाम आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉलीवुड के एक्टर्स के हैरतअंगेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे में सबसे पहला नाम आता है रणदीप हुड्डा। ये शायद बॉलीवुड फिल्मों के इतिहास में अब तक के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। फिल्म सरबजीत में रणदीप ने एक भारतीय की भूमिका निभाई जिसे हमारी पड़ोसी मुल्क में कैद कर लिया जाता है। इस फिल्म में वास्तविक कैदी पर होने वाले अत्याचार और कैदी का जेल में जो असल हालत होती है उसे दिखाने के लिए रणदीप ने केवल 28 दिन में 18 किलोग्राम वजन कम कर लिया था और असल कैदी की तरह खुरदरी त्वचा, टूटे हुए दांत, टूटी आवाज, कमजोर कैदी दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलम यह था कि उनकी हड्डी पसली एक दिखने लगी थी और शूटिंग सेट पर लोग उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे। फरहान अख्तर। भाग मिल्खा भाग फिल्म के लिए फरहान अख्तर ने नई बोली सीखने से लेकर काया बदलने तक इस बायोपिक में सबको फेल कर दिया। पूरे फिल्म में रनर की शेप में दिखने के लिए उन्हें खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। एक दुबली काया से फिट बॉडी में वे कैसे दिखे वो आप सब अच्छे से जानते हैं। वे 13 महीने तक रोजाना 5 से 6 घंटे जिम में मेहनत करते थे। ये देखने में आसान लग सकता है लेकिन उतना आसान नहीं था। यहाँ पर असल में अपने आप को किसी और के जीवन शैली के अनुकूल दिखाने के लिए केवल फिजिकली फैक्टर काफी नहीं है बल्कि असली मिल्खा सिंह की तरह बोलना भी सीखना था। आमिर खान। इतने साल इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी आमिर खान अब भी जिस फिल्म के लिए काम करते हैं उसमें अपना रोल इतनी शिद्दत से निभाते हैं जैसे ये उनकी पहली फिल्म हो। आमिर खान कई बेहतरीन फिल्मों में रहे हैं जिसमें दंगल फिल्म सर्वश्रेष्ठ में से एक है। आमिर अपने रोल में हमेशा फिट दिखते हैं लेकिन इस दंगल फिल्म के लिए उन्होंने विशेष तौर से अपनी भूमिका के हिसाब से बड़े पैमाने पर अपना वजन लगभग 30 किलो बढ़ाया। यही नहीं, वजन बढ़ाने के बाद एक्टर ने उस पार्ट को पहले फिल्माने का फैसला किया जो कि फिल्म का 80% हिस्सा है जहां पर वो अधिक वजन में दिखते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर 5 महीने की कड़ी मेहनत करके वापस शेप में आने के बाद फिल्म के बाकी हिस्सों को फिल्माया। इसके अलावा फिल्म तारे जमीन पर में उन्होंने एक दुबले पतले टीचर का किरदार निभाया था लेकिन इस फिल्म के बाद उनकी फिल्म गजनी आई जिसमें उन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरह बदल के कई डोले शोले बना लिए। इसे कहते हैं अपने किरदार के लिए जुनूनी हद तक जाना। भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर ने पहली बार आयुष्मान खुराना के साथ दम लगाकर हई शाम एक्टिंग की लेकिन क्या आप जानते हैं वो इससे पहले एक मॉडल थी। उन्होंने फिल्म में सिर्फ ओवरवेट वाइफ के रोल के लिए अपना वजन 30 किलो बढ़ा लिया था तो वहीं फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में उन्होंने वजन घटाने के लिए खूब पसीना बहाया। आप खुद देख लीजिए ये किरदार एकदम रियल दिखे इसके लिए एक्टर सभी जोखिम उठा लेते हैं। ऋतिक रोशन। हम सभी जानते हैं कि ऋतिक रोशन हमेशा फिट दिखते हैं लेकिन फिल्म गुजारिश के लिए जिसमें वो एक लकवाग्रस्त जादूगर की भूमिका में थे उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अपना वजन बढ़ाया था। बीच में सेहत खराब होने के साथ स्वास्थ्य मुद्दों से जूझकर भी 10 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद वो क्रिश 3 के लिए बेहतर और हॉट बनकर वापस आ गए। राजकुमार राव। राजकुमार राव की न्यूटन फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर में नामित किया गया जिसने उन्हें बॉलीवुड में एक होनहार अभिनेता के रूप में साबित किया। ट्रैप्ड में अपनी भूमिका के लिए खुद को भूखा मारकर कई किलो वजन कम करने के बाद अपनी अगली रिलीज के लिए फिर से उन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया। फिल्म बहन होगी तेरी के लिए जिसमें उन्होंने श्रुति हसन के साथ अभिनय किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने टाइट एब्स और स्ट्रक्चर्ड बॉडी बिल्ड किया। वहीं राव ने 2017 में वेब सीरीज बॉस डेड अलाइव के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू किया। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका के लिए उन्होंने 11 किलो वजन बढ़ा लिया। लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही नए व्यूवर्स सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।